नमस्कार, पत्रिका टीवी के साप्ताहिक राशिफल आपके सितारे में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर और लेकर आया हूं पूरे सप्ताह का साप्ताहिक सटीक भविष्य राशिफल। मैं बताऊंगा आपकी राशि के अनुसार इस सप्ताह आपके जीवन में क्या कुछ खास होने वाला है, किसे मिलने वाली है सफलता और किसे करना पड़ेगा सफलता के लिए थोड़ा इंतजार। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका इन सप्ताह जन्मदिन है, क्या करें वे अपने जन्मदिन पर। इस सप्ताह अपने जन्मदिन पर कोई एक शुभ संकल्प अवश्य ले। अपने उज्जवल भविष्य के लिए जन्मदिन वाले दिन किसी गरीब मरीज की सहायता जरूर करें, कुछ दान दें और संभव हो तो थोड़ी बहुत उनकी सेवा भी करें। आपके आगामी जीवन में उनका आशीर्वाद लाभकारी सिद्ध होगा। और बात करते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के साप्ताहिक भाग्य राशि फल का। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों का साप्ताहिक राशि फल। यह सप्ताह समाज के लोगों और मित्रों के साथ दौड़ धूप में व्यतीत होने वाला है। रुके हुए बहुत सारे काम भी आपके पूरे हो सकते हैं इस सप्ताह, लेकिन अपनी वाणी पर थोड़ा संयम जरूर रखें। इस सप्ताह कुछ ज्यादा ही धन खर्चा आपका हो सकता है, लेकिन अगर कोई सरकारी संबंधित आप कार्य कर रहे हैं तो उस कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आपकी कोई संतान बाहर रहती है, आपसे दूर रहती है, तो वहां से कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेंगे। यात्रा पर्यटन की संभावना बन रही है। अविवाहितों के लिए विवाह के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थियों को थोड़े अवरोध के बाद अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद है। इस सप्ताह मेष राशि के जातक क्या करें, एक छोटा सा उपाय जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी को लाल फूलों की माला जरूर अर्पित करें। आपके जीवन में प्रेम की वृद्धि होगी और आपकी मनोकामनाएं भी इससे भगवान पूरी करेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की इस सप्ताह कैसा होगा। कुछ जातक इस सप्ताह नए कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। नौकरी पेशा के लिए यह सप्ताह अत्यधिक शुभ है। आय में वृद्धि या पदोन्नति का समाचार भी आपको मिलने वाला है। सरकारी लाभ भी मिलेगा। गृहस्थ जीवन में सुख शांति भी सप्ताह बनी रहने वाली है। उच्च पदाधिकारियों का सहयोग भी मिलने वाला है। बस एक छोटा सा काम कीजिए, अपनी वाणी पर इस सप्ताह संयम जरूर रखे, आपको फायदा भी होगा। वृषभ राशि के जातक इस सप्ताह एक छोटा सा उपाय जरूर करें। क्या करना है, भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी इच्छाएं पूरी जरूर करेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के साप्ताहिक राशि फल का। कैसा होगा इस सप्ताह आपका जीवन। इस सप्ताह थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सप्ताह में 3-4 दिन शरीर में स्फूर्ति का अभाव भी रहने वाला है। परिणाम स्वरूप निर्धारित काम इस सप्ताह पूरे नहीं होंगे। अगर आपने कोई कार्य बनाया है तो इस सप्ताह थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। किसी बात को लेकर मानसिक चिंता भी इस सप्ताह बनी रहेगी। आपकी नौकरी व्यवसाय के स्थान पर किसी वजह से आपको हतोत्साहित भी होना पड़ सकता है। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद में बिल्कुल भी ना उतरे, हानि आपकी ही होगी इससे। क्या करें मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह एक छोटा सा उपाय करें। क्या करना है, हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। आपके मार्ग में आने वाले अवरोध दूर होने लगेंगे। और अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह क्रोध और नकारात्मक विचार आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। इस सप्ताह सफलता के लिए संयम रखना बहुत आवश्यक है। खान पान पर विशेष ध्यान नहीं रखोगे तो स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। परिवार कुटुंब में वाद विवाद होने की स्थिति भी बन रही है। समझदारी से ही कोई निर्णय ले। इस सप्ताह खर्च में वृद्धि होने से आर्थिक तंगी का भी अनुभव करना पड़ेगा। किसी को दिया हुआ पुराना धन इस सप्ताह आपको मिल सकता है। क्या करें, इस सप्ताह कर्क राशि के जातक सूर्य गायत्री मंत्र है, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। आपके जीवन में
आने वाली बाधाएं आपके रुकने वाले कार्य भी इस मंत्र का जप करते हुए अर्घ देने से दूर हो जाएंगे। और अब बात करते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के साप्ताहिक भाग्य राशि फल का। सिंह राशि के जातकों का इस सप्ताह कैसा बीतने वाला है? तो इस सप्ताह सिंह राशि के जातक, आपके दाम्पत्य जीवन में मामूली बात पर मनमुटाव होने की आशंका बन रही है। व्यापारी वर्ग साझेदारों के साथ धैर्य से काम लेंगे तो लाभ भी मिलेगा। इस सप्ताह अपनी वाणी और क्रोध पर संयम नहीं रखेंगे तो सार्वजनिक जीवन में अपयश का सामना करना पड़ सकता है। किसी को इस सप्ताह कोई भी चीज उधार देने से बचिए। वाहन सुख का इंतजार भी सप्ताह खत्म हो सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है। सिंह राशि के जातक इस सप्ताह एक उपाय रोज जरूर करें। क्या करना है? भगवान शिव जी को सफेद पुष्प या सफेद पुष्प से बनी हुई माला जरूर अर्पित करें। कन्या राशि का साप्ताहिक राशि फल। इस सप्ताह कन्या राशि के जातक अनुकूलता का अनुभव करेंगे। घर में सुख शांति स्थापित होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। पुरानी बीमारी भी इस सप्ताह ठीक हो सकती है। स्वास्थ्य भी इस सप्ताह उत्तम बना रहेगा। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग भी मिलेगा। सफलता भी इस सप्ताह आपको मिलने वाली है। परिवार में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होने के योग भी बन रहे हैं। कहीं से अचानक धन लाभ भी हो सकता है। कन्या राशि के जातक इस सप्ताह क्या करें? एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। इस सप्ताह सुबह एवं शाम को दोनों समय अपने संकटों के निवारण के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आपके संकट हनुमान जी दूर करेंगे। बात करते हैं तुला राशि के साप्ताहिक भविष्य फल की। इस सप्ताह बौद्धिक प्रवृत्तियों और चर्चा अग्रिम स्थान पर रहेगी। आपकी कल्पना और सृजन शक्ति की प्रगति से संतोष का अनुभव भी आप करेंगे। व्यर्थ विवाद या चर्चा में न पड़े। रिपीट, स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह सावधान जरूर रहे। प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन मुलाकात भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन के मतभेद इस सप्ताह दूर हो सकते हैं। कोई भी अगर निवेश आप करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आप निवेश कर सकते हैं। आपको उससे भरपूर लाभ भी होगा। तुला राशि के जातक इस सप्ताह क्या करें? मछलियों को या कुत्तों को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। उनके जब तृप्ति होगी तो उस तृप्ति से आपको भी लाभ मिलेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव बना रहेगा। आपके जीवन में बुजुर्गों के साथ अनबन होने की घटना आपके मन को व्यतीत भी करेगी। इस सप्ताह आपकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ध्यान रखें। आर्थिक नुकसान और सार्वजनिक जीवन में मान हानि भी आपको हो सकती है। जमीन वाहन आदि के सौदे करने या उसका दस्तावेज बनाने में इस सप्ताह बचने का प्रयास करें। स्त्री वर्ग और पानी से आपको नुकसान होने की आशंका है। दोनों से सावधान रहना है इस सप्ताह। वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह क्या करें? गाय को हरा चारा या गुड़ जरूर खिलाए और खिलाने के बाद एक परिक्रमा गाय माता की कर ले। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। और अब बात करते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का साप्ताहिक भाग्य राशि फल। सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि के जातकों के साप्ताहिक भाग्य फल का। धनु राशि का साप्ताहिक भाग्य राशि फल। इस सप्ताह गूढ़ रहस्य विद्याएं और आध्यात्मिकता का प्रभाव आप पर बना रहेगा। आपका मन शांत और प्रसन्न भी रहने वाला है। कुछ ऐसे काम भी आपके इस सप्ताह संपन्न होंगे जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। भाई बहनों के साथ अधिक मेलजोल भी बना रहेगा। नए कामों की शुरुआत इस सप्ताह करना आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। सगे संबंधी और मित्रों का आपके घर में आना जाना लगा रहेगा जिससे परिवार में आनंद की अनुभूति होगी। इस सप्ताह लघु यात्रा, कोई छोटी बड़ी यात्रा आपकी सप्ताह हो सकती है
जो आपको लाभकारी सिद्ध होने वाली है। इस सप्ताह कुछ विरोधी आपके सहयोगी भी बनने वाले हैं, जो आपका विरोध करते वो आपके मित्र बनेंगे। एक उपाय क्या करना है इस सप्ताह धनु राशि के जातक, छोटी कन्याओं को फल जरूर भेंट करें। मकर राशि का साप्ताहिक राशि फल, मकर राशि के जातक इस सप्ताह बहुत सी मुसीबतों से बचने वाले हैं, या कोई मुसीबतें आपकी पुरानी है वो इस सप्ताह खत्म भी हो सकती है। कुछ भी बोलने से पहले सोचे जरूर, बिना सोचे समझे इस सप्ताह कुछ भी ना बोले। घर परिवार में अकारण ही किसी प्रकार की गलतफहमी भी हो सकती है। जो जातक शेयर सट्टे में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सप्ताह उनके लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के मतभेद भी सप्ताह दूर हो सकते हैं। संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह प्रसन्नता से भरा भी रहेगा। एक उपाय मकर राशि के जातक क्या करे, इस सप्ताह मीठे जल से भगवान शिव जी का अभिषेक जरूर करे। आपके जीवन में मिठास भरपूर आने लगेगी और इससे आपके शत्रु भी आपके मित्र बनने लगेंगे। कुंभ राशि का साप्ताहिक राशि फल क्या करे, कुंभ राशि के जातक स्वस्थता और ताजगी पूर्ण सप्ताह इस सप्ताह अनुभव करेंगे। आर्थिक दृष्टि से आपका सप्ताह लाभदायी होने वाला है। सगे संबंधियों और मित्रों के साथ यह सप्ताह अच्छे से बीतने वाला है। इस सप्ताह परिवार के साथ कहीं अच्छी जगह आप जा भी सकते हैं घूमने के लिए। चिंतन शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव को अच्छे से समझने का मौका इस सप्ताह आपको मिलने वाला है। प्रयास करें कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह नकारात्मक विचारों से दूर रहे। नौकरी में स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं। कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह एक उपाय जरूर करें। क्या करना है, भगवान शिव के रुद्राष्टकम स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन अवश्य कीजिए, आपके जीवन में विजयश्री प्राप्त होगी। बात करते हैं मीन राशि के साप्ताहिक राशि फल का। मीन राशि के जातक इस सप्ताह आपके मन में एकाग्रता का अनुभव होने वाला है। कोई खोई हुई या चोरी हुई सामग्रियां भी इस सप्ताह आपको मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में कुछ धन भी आप खर्च करेंगे, भविष्य में उसका लाभ भी आपको मिलेगा। इस सप्ताह कुछ जातकों को स्वजनों से दूर जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के कामकाज में किसी का जमानती होने के संबंध में सावधानी रखे, बिल्कुल बिना सोचे समझे किसी का जमानती ना बने। अल्पकालीन लाभ लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उपाय मीन राशि के जातक इस सप्ताह क्या करे, हनुमान जी की आरती के बाद सात नारियल की माला जो लाल धागे से बनाई हुई हो हनुमान जी को जरूर पहनाए, जीवन के सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। तो यह था सोमवार से लेकर रविवार तक का आपकी राशि का सटीक भविष्य फल। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए सिर्फ पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।